बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय होप हॉस्पिटल। पुलगांव के ईंट बनाने वाले प्रसिद्ध व्यवसायी को उसके बेटे का अपहरण करने की धमकी देकर 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने वाले अपराधी को पुलगांव पुलिस के डीबी स्क्वाड ने गुजरात जाकर सूरत से गिरफ्तार किया। यह आरोपी मूल सौराष्ट्र के राजकोट जिला के वीरपुर का निवासी है और हाल ही में सूरत में रह रहा था। मीरा कॉलोनी परिसर में रहने वाले 45 साल के किशोर चुन्नीलाल कल्पे, इन्होंने 12 जून को पुलगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। अपनी फरियाद में कल्पे ने बताया कि अज्ञात आरोपी का उनके मोबाइल पर फोन आया था। आरोपी ने कल्पे को धमकी देते हुए कहा कि मैं कराची से बोल रहा हूँ, तुमने अपना कारोबार बहुत बड़ा लिया है, लेकिन तुम मुझे कुछ हफ्ता नहीं दे रहे हो, मुझे हफ्ता चाहिए। अगर तुम पुलिस में रिपोर्ट दोगे तो तुम्हारे बेटे का मैं अपहरण कर लूंगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो 40 लाख की फिरौती मुझे देनी होगी। पुलगांव पुलिस ने सूत्रों ने दी जानकारी के आधार पर गुजरात के सूरत वीरपुर में रहने वाले 26 साल के आरोपी निकुंज वजूभाई डोबरिया को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टाइल में निकुंज से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि पुलगांव में रहने वाला 22 साल का हर्षल खुमेदवार मिश्रा उसका साथी है और दोनों मिलकर कल्पे से फिरौती और धमकी देने की बात कबूल की। जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत होड़कर, यशवंत सोड़ंके, गोकुल सिंह पाटिल, पीआई रविंद्र गायकवाड़, इनके मार्गदर्शन में पुलगांव पुलिस के राजेंद्र हाड़के, संजय पटले, पंकज टाको ने, शरद सानप, इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया।